ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा चमत्कारी मंत्र जिससे कि कोई भी आपदा टाली जा सकती है। यदि कभी जीवन में ऐसी घड़ी आ जाए जहां पर कि आप पर कोई आपदा आ जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई संकट आ जाए और उसे दूर करने में आप असमर्थ हों, तो इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। अभी मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में हूँ और यहाँ पर जो लोग हैं वो गिने चुने ही हैं। इस पूरे गांव में लगभग 20-25 लोग होंगे और ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ एक ऐसे खेत में जहाँ पर कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, पूरा वीरान पड़ा है और ऐसा स्थान हम साधकों के लिए वरदान होता है। तो अगले कुछ महीने मैं यहाँ पर साधनाएं करूँगा और उसके बाद आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो कि अविश्वसनीय होगा, अकल्पनीय होगा, कुछ ऐसा जो कि आपकी कल्पना से परे है। अभी हम कुछ ऐसे रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो सार्थक हुए तो उनको मैं आपके साथ साझा करूँगा। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं जो कि अभी चल रहे हैं और एक जो रीसेंट आज ही हमने रिसर्च किया है उसका भी मैं आपको खुलासा तभी करूंगा जब वो रिजल्ट देगा। अगर वो सफल हुआ तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आज जो है मैं आपको बताऊंगा एक विशेष चमत्कारी मंत्र जो कि अपने भीतर इतनी अच्छाइयाँ, इतनी शक्तियाँ लेकर बैठा है कि बस एक बार कोई इसे जप ले तो उसकी सारी मनोकामनाएं देखते ही देखते पूरी हो जाए। भगवान श्री राम का ये मंत्र है और आपदा विपदा को दूर करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। यदि कोई आपके घर में बीमार पड़ा हो, बरसों से उठ ही ना रहा हो, कोई कोमा में चला गया हो या आपकी सरकारी नौकरी ना लग रही हो, कोई कॉरपोरेट आपकी जॉब ना लग रही हो, कोई ऐसा हो जो कि आपसे दूर चला गया हो, कुछ ऐसा मन में हो जो खटक रहा हो और आप उसे पूरा करना चाहते हो, तो इस मंत्र का लाभ उठाया जा सकता है। इस मंत्र को एक माला नित्य बिना होठ हिलाए, मतलब कि आपको ये जप करना है लेकिन मानसिक जप होगा, मानसिक जप कीजिए इसका 864 टाइम। और आपको इसकी गोलियां बनानी है, जैसे जैसे आप मंत्र बोलोगे ना तो आपको आटे की गोलियां बनानी है। हर एक मंत्र के साथ एक आटे की गोली बनेगी और उसको आपको एक ऐसी नदी में डालना है जहां पर कि मीन हो, मछलियां हो, और उन मछलियों को ये आटे की गोलियां खिला दीजिएगा। 7 मंगलवार ये उपाय कर दीजिए। इसके बाद जो है आपका भाग्योदय हो जाएगा, बंद दुकानें खुल जाएंगी, जहां पर आशा की किरण नहीं थी वहां पर आशा की किरण आ जाएगी। और ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, इसकी सार्थकता मैं स्वयं देख चुका हूँ और इस पर पूर्ण विश्वास करके यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में ये आपको सफलता दे देगा। तो आइए मंत्र जान लेते हैं। जय श्री राम। मंत्र शुरू करता हूं। ओम ह्रीम आपदाम पहंत्राम दातारम सर्वस्य संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस मंत्र का आपको 864 टाइम्स जाप करना है। जाप करते हुए जो मंत्र आप जैसे जैसे बोलें उसके साथ साथ आपको एक गोली बना लेनी है, आटे की गोली पर इसको अभिमंत्रित कीजिएगा और उनको बना के रखते रहिए। और जब वो 864 हो जाएं मंगलवार के दिन तो आप इनको किसी मीन को खिला दीजिए, मछली को खिला दीजिए, तो आपकी जो मनोकामना होगी, आपके जो रुके हुए, जो दबे हुए काम होंगे वो स्वतः ही चल जाएंगे। यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कोई विडंबना हो, कुछ ऐसा हो जो कि आपके मन में हो लेकिन आप उसे कह ना पा रहे हो, कुछ ऐसा हो जो कि बड़े दिनों से आपके भीतर हो लेकिन बाहर ना आ रहा हो, आपकी कोई इच्छा हो जो पूरी ना हो रही हो, वो इससे पूर्ण हो जाएगी। बहुत से ऐसे केस भी आते हैं जहाँ पर कि कुछ भी चीज़, कोई दवाई काम नहीं कर रही होती, उस स्थान पर भी
इसका प्रयोग किया जा सकता है। इससे आपका भाग्योदय हो सकता है। चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं, उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस मंत्र का प्रयोग करते हुए, इस विधि का प्रयोग करके मैंने न जाने कितने चमत्कार किए हैं। एक बार इसका प्रयोग अवश्य करें। इसका प्रयोग नाना प्रकार की सिद्धियों में भी किया जा सकता है। यदि श्री राम का आपको आशीर्वाद चाहिए, प्रभु श्री राम के चरणों की आपको धूल बनना है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे उत्तम समय होता है मंगलवार के दिन, क्योंकि अभी जो है हनुमान जी हमारे इस जगत में ही हैं, और कुछ ऐसा इस मंत्र में जो कि उनको विवश कर देता है कि वो आपके जितने भी काज हैं उनको बना दें। आपके जितने भी बिगड़े हुए काज हैं उन सबको बनाने की गारंटी स्वयं हनुमान जी लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का कोई नाम ले ले और वो उस काज को पूरा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस मंत्र में कुछ ऐसा है जो कि हनुमान जी जो हैं वो खुद आपका ये काम करके देंगे। अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो भी मिल जाएगी, अगर बंद दुकान खोलनी है तो खुल जाएगी, किसी भी तरह का कोई रोग जो है आपको सता रहा हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब यूँ समझिए कि रामबाण इलाज है। भगवान श्री राम का ये मंत्र इतनी अपार शक्तियाँ लेकर अपने भीतर बैठा हुआ है कि आप इसे एक बार भी अगर जप कर लेते हैं तो हनुमान जी और राम जी की कृपा आप पर बन जाती है। बहुत ही, मतलब मेरे पास विरला ही कोई ऐसा मंत्र होगा जो कि इतना पावरफुल हो। क्योंकि अभी मैं जिस गांव में रहता हूँ यहाँ पर जो है हनुमान जी आते रहते हैं, तो बस मैं उन्हीं को देखने आया हूँ। और उसके साथ साथ मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि आप यहाँ पर जो है उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी के मैं दर्शन कर पाऊँ। और ऐसे ऐसे जो विशेष लाभकारी मंत्र हैं वो आपको मिलते रहेंगे। बस आप सब्सक्राइब कीजिए और बैल की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, तो आपको ऐसे ऐसे अचूक सर्वश्रेष्ठ रामबाण इलाज वाले मंत्र मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी अगली वीडियो में भी इतना ही प्यार देंगे, क्योंकि ये जो मंत्र हैं ये भगवान श्री राम का है और इसमें मुझे कम से कम 1,00,000 व्यूज़ चाहिए ही चाहिए इसी हफ्ते। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि प्रभु श्री राम का ये जो मंत्र है ये हर व्यक्ति तक पहुँचे और सब इसका लाभ उठाएं। जय श्री राम।